कोटड़ा में प्रताप गौरव स्वराज यात्रा का हुआ भव्य स्वागत सत्कार। उदयपुर जिले के कोटड़ा में जो स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की समिति द्वारा संचालित प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ की ओर से स्वराज 75 के अंतर्गत हो रहे कार्यक्रम की श्रृंखला में यहां कोटड़ा में स्वराज गौरव यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। पांडरवा से कोटड़ा के पाथरपाड़ी पहुंची, जहां भीमराज लखुमरा, बाबूलाल पारगी, बाबूलाल लौर, अशोक कुमार सहित ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से कुंडी बाजे ढोल नृत्य के साथ स्वागत किया। कोटड़ा के पिपलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने पर कोटड़ा में ग्रामीण महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए कलश धारण कर स्वागत किया। वहां से रामजी मंदिर वनवासी कल्याण परिषद में यात्रा पहुंची, जहां धर्म सभा में परिवर्तन हुआ। अतिथियों द्वारा शिव पार्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर धर्म सभा का शुभारम्भ किया, जिसमें अनुराग कुमार, डॉक्टर बालूदान बारहट, बाबूलाल खराड़ी ने धर्म सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में अनुराग कुमार, निदेशक राष्ट्रीय तीर्थ प्रताप गौरव केंद्र बालूदान बारहट, प्रधान सुगना देवी, सुरेश कुमार खेर, जिला परिषद सदस्य रंजीत कुमार, मंजीराम, वासुदेव त्रिवेदी, देवीलाल तराल, नरेश कुमार, ओटाराम लखारा, सुरेंद्र सिंह, जीवनलाल, दलपत सिंह, नरेंद्र कुमार, प्रताप प्रजापत, सब्जी राम, सविता खराड़ी, सुम्पा देवी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यहाँ कार्यक्रम का संचालन खुमान सिंह ग्रासिया ने किया, वही आगंतुकों का आभार व्यक्त देवाराम सेन ने किया। प्रताप गौरव केंद्र के द्वारा निकाली जा रही स्वराज यात्रा का कोटड़ा में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि व ग्रामीण रहे उपस्थित।